जान की बाजी लगाकर संक्रमितों को अस्पताल पहुंचा रहे एम्बुलेंस कर्मी, जब कोरोना के संक्रमण के भय से लोग घरों से बाहर आने में डर रहे हैं, ऐसे मुश्किल दौर में एम्बुलेंस कर्मी खतरनाक वायरस से जी जान से लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में ये कोरोना योद्धा दिन रात एक किए हुए हैं और अपनी जान पर खेलकर संक्रमितों और संदिग्धों को अस्पताल पहुंचाने के कार्य में लगे हुए हैं। यहां बात हो रही है 108 एम्बुलेंस के स्टाफ की, जो कर्फ्यू और लॉकडाउन के दिन से अब तक निरंतर सेठ गोविंद दास जिला चिकित्सालय विक्टोरिया हॉस्पिटल से कोरोना संक्रमितों और संदिग्धों को लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल तक मरीजों को पहुँचाने के काम में कर्मयोगी की तरह जुटे हुए हैं। विक्टोरिया हॉस्पिटल के परिसर में 24 घंटे एडवांस लाइफ स्पोर्ट से युक्ति फैली इस एम्बुलेंस 108 हरदम तैयार खड़ी रहती है और इस एम्बुलेंस के पायलट विजय नगर SBI कॉलोनी निवासी अजय साहू और एम्बुलेंस टेक्नीशियन हनुमान ताल निवासी अब्दुल जाहिद 20 मार्च से ही कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना प्रभावितों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुँचाने का काम कर रहे हैं। पायलट अजय साहू और टेक्नीशियन अब्दुल जाहिद ने बताया कि इसी एम्बुलेंस से उन्होंने जिले में पाए गए सभी 12 कोरोना पॉजिटिव मरीज को मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया है। मैं अब्दुल जाहिद जबलपुर से। हमारी गाड़ी कोरोना पॉजिटिव केस के लिए लगी हुई है। विक्टोरिया अस्पताल में ये गाड़ी रहती है, इसका नाम है एडवांस लाइफ सपोर्ट। हमारी गाड़ी में वेंटिलेटर, पैरामोनीटर, सक्शन मशीन, डिफिब्रिलेटर, शॉक मशीन जिसको कहते हैं, वो अवेलेबल है। अब तक हम लोग 10 पेशेंट विक्टोरिया हॉस्पिटल से मेडिकल ले जा चुके हैं पॉजिटिव। अभी लास्ट केस जो ले गए थे वो ए गोहा करके पेशेंट थे, रामपुर के रहने वाले थे। ये सब हम और हमारी टीम 10 पेशेंट पॉजिटिव कर चुकी है और हमारी जो 17 लोकेशन है, जबलपुर में 18 लोकेशन है, लेकिन हमारी एक गाड़ी कोरोना पॉजिटिव में लगी है। बाकी 17 लोकेशन सस्पेक्टेड केस हमारी कर रही है। हमारा पूरा स्टाफ नियंत्रण लगा हुआ है, अच्छे से ड्यूटी कर रहा है और जबलपुर के पूरे लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है।